श्री प्रियालाल की प्रेम में सेवा का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल श्री प्रियालाल जू सरकार को और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। श्री प्रियालाल सरकार के आप सभी प्यारे भक्तों के चरणों में मेरा सादर नमन। आशा करती हूँ कि श्री प्रियालाल जू की प्रेममयी कृपा से आप सभी उनके प्यारे हरि भक्त बहुत ही आनंद में होंगे, साथ ही आप सभी की सेवा भी बहुत ही आनंद के साथ चल रही होगी। और सबसे पहले आप सभी को श्री प्रियालाल परिवार और मेरी तरफ से सावन महीने की बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो चूँकि सावन का महीना अब शुरू हो चुका है और ये हमारे प्रिय प्रियतम का बहुत ही अति प्रिय महीना है, क्योंकि ये महीना, इस महीने में ठाकुर जी को बहुत सारी विशेष सेवाएं दी जाती है और साथ ही इसी महीने में ठाकुर जी का झूलन महोत्सव भी उनके प्यारे भक्तजन मनाते हैं। तो इस दृष्टि से ये महीना ठाकुर जी को बहुत अति प्रिय है। साथ ही इस महीने में बहुत अच्छी प्रकृति माता की चारों ओर हरियाली भरी छटा बिखरी रहती है, तो उससे हमें बहुत अच्छी वाइब्स मिलती है। चारों ओर तरह तरह के फूल हमें खिले हुए देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए ये महीना बहुत ही उमंग भरा और खुशी का महीना है। तो ठाकुर जी को इस महीने में विशेष रूप से कौन कौन सी सेवाएं हमें देनी चाहिए और इस महीने में ठाकुर जी का झूलन महोत्सव किस तरह से मनाया जाता है, किस तरह से हम उनके लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं, ठाकुर जी को किस तरह विशेष भोग, उनका स्नान श्रृंगार आदि इस महीने में विशेष रूप से किस तरह से किया जाता है, किस तरह से उन्हें सेवाएं दी जाती है, तो हमारी आज की वीडियो में हम इन्हीं सब सेवाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे गोपाल जी के स्नान से। तो हमारे ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए सबसे पहले आप चाहें तो गाय का कच्चा दूध ले सकते हैं यदि आपके पास अवेलेबल हो तो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप साफ शुद्ध जल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल मिला सकते हैं। मैं नर्मदा जल मिलाती हूँ और थोड़ा सा उसमें आप रोज़ वाटर मिला लीजिए। और तुलसी दल हमें बिल्कुल डालना नहीं भूलना है, ठाकुर जी की जितनी भी सेवाएं होती है तो उसमें तुलसी दल ठाकुर जी को अर्पित किया ही जाता है। तुलसी दल के बिना ठाकुर जी कोई भी सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुलसी जो है ठाकुर जी की अति प्रिय है। इसके बाद यदि कच्चा दूध अवेलेबल हो तो आप उससे पहले स्नान करा दीजिए ठाकुर जी को। इसके बाद साफ शुद्ध जल से ठाकुर जी को स्नान करा के हल्के हाथों से मल के, और उनका जो भी टॉल है जिससे आप डेली ठाकुर जी को पहुँचते हैं, कॉटन का टॉल आप ले सकते हैं, क्योंकि उससे जो सारा वाटर है वो अच्छी तरह से, कॉटन का टॉल है वो अच्छी तरह से सारा पानी सोख लेगा। और आप चाहें तो उनके ठाकुर जी का जो टॉल है उसमें आप चाहें तो कुछ इत्र की बूंदें भी मिला करके रख सकते हैं, जिससे एक बहुत अच्छी खुशबू हमारे प्यारे प्रभु को आती रहे। तो अब स्नान के बाद ठाकुर जी का हम करेंगे बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार। तो यदि आप स्नान के बाद ठाकुर जी को इत्र सेवा देते हैं तो अभी आप उन्हें इत्र सेवा दे दीजिए। हल्के हल्के हाथों से हमें बस ठाकुर जी के पूरे शरीर पर इत्र लगाना है, और इत्र हमें कौन सा लगाना है तो हर मौसम के अनुसार हम अलग अलग इत्र की सेवा ठाकुर जी को देते हैं। तो किस मौसम में किस इत्र का हमें चयन करना है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ यदि आपने चेक नहीं किया है तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए कि बारिश के मौसम के लिए कौन सा इत्र ठाकुर जी के लिए उत्तम रहता है। तो इत्र की सेवा देने के बाद अब हम ठाकुर जी को उनकी पोशाक पहनाएंगे। तो पोशाक में ठाकुर जी को अब हम ये चर्चा कर लें कि ठाकुर जी को हमें किस तरह की पोशाक पहनानी है सावन के महीने में। तो सावन का महीना बहुत अच्छा, एक चारों तरफ बहुत अच्छी हरियाली सी बिखरी हुई है। इसके बाद जो सावन का प्रतीक माना जाता है जिस रंग को, वो है हरा रंग यानी ग्रीन कलर। तो आप चाहें तो ठाकुर जी को ग्रीन कलर की पोशाक धारण करा सकते हैं, तो ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही आप चाहें तो कुछ जो वाइब्रेंट से कलर होते हैं वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस महीने के लिए, क्योंकि जो थोड़े तेज कलर हैं वो इस महीने में बहुत अच्छे लगते हैं ठाकुर जी को धारण कराने में। और इसके अलावा एक येलो कलर तो हमारे ठाकुर जी का अति प्रिय है ही, तो आप चाहें तो पीले कलर की पोशाक हमारे प्रिय प्रियतम को धारण करवा सकते हैं। और इसके भी अलावा यदि आप चाहें
यदि आपका कोई अपना मनोभाव है ठाकुर जी को विशेष पोशाक पहनाने का, जैसी प्रेरणा आपके प्यारे प्रभु आपको दें, तो आप उस तो आप वो वाली पोशाक अपने प्रभु को धारण करा सकते हैं। तो अब हमारे प्यारे प्रभु ने धारण कर ली है अपनी पोशाक। इसके बाद हम अपने प्यारे प्रभु का करेंगे सुंदर सुंदर सा श्रृंगार। तो श्रृंगार किस तरह से करना है हमें ठाकुर जी का, सबसे पहले हमें उन्हें चंदन का तिलक लगाना है। तो जो चंदन की सेवा है ठाकुर जी को 12 महीने ही दी जाती है, मस्तक पर आप चंदन का तिलक रोज़ ही लगाएँ, रोज़ ही चंदन तिलक की आप सेवा दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। वैसे तो विशेष रूप से ठाकुर जी के श्री मस्तक पर और श्री हस्त कमलों पर, श्री चरणों पर चंदन की सेवा दी ही जाती है, लेकिन यदि इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनके मस्तक पर चंदन की सेवा ज़रूर से दें। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि इस महीने में हमें बहुत सारी अलग अलग तरह की वैरायटी के फूल इस महीने में मिल जाते हैं। हम इस तरह की कोशिश करें कि हमारे प्रिय लाल का श्रृंगार करने के लिए हम अधिक से अधिक फूलों का उपयोग करें, उनके पूजा घर को सजाने के लिए भी हम फूलों का उपयोग अधिक से अधिक करें, तो इससे प्रिय लाल को भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फूलों से एक अच्छी सी महक ठाकुर जी को आती रहेगी। और साथ ही प्रिय लाल के चारों ओर सुंदर सुंदर पुष्प, तरह तरह के पुष्प देख करके हमें भी ऐसी फील आएगी कि हाँ, सावन का महीना शुरू हो गया है और हमारे प्रिय लाल सावन के महीने का आनंद ले रहे हैं। सावन महीने में दी जाने वाली सेवाओं का हमारे प्यारे प्रभु प्रेम सहित बहुत आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह से हम फूलों का अधिक से अधिक उपयोग करें ठाकुर जी की सेवा के लिए इस महीने में। और मस्तक पर चंदन का तिलक लगाने के बाद आप ठाकुर जी को उनकी जो भी ज्वेलरी है वो धारण करा दीजिए। यदि आपके ठाकुर जी का परमानेंट मेकअप नहीं किया हुआ है तो आप उनका मेकअप कर सकते हैं, और उनकी पग, उनकी बांसुरी, सारी उनकी जो भी श्रृंगार है उन्हें धारण करा के, और इसके बाद जो भी बाकी की सेवाएँ होती है ठाकुर जी की, जैसे उनकी पोशाक पर इत्र की सेवा देना, उन्हें दर्पण सेवा देना, काजल लगाना ठाकुर जी को, और इसके बाद तुलसी दल की सेवा, तुलसी दल हम श्री चरणों का भाव लेकर के और ठाकुर जी के पास में तुलसी दल को अर्पित करते हैं। तो इस तरह से अब हमारे प्यारे प्रभु का हो चुका है सुंदर सा श्रृंगार। और इसके बाद अब हमें ठाकुर जी को भोग लगाना है और अब करनी है हमें अपने ठाकुर जी की आरती। तो अब भोग में हमें ठाकुर जी को क्या पवाना है, सावन के महीने में कौन कौन सी विशेष चीज़ें हैं जिनका भोग हम अपने प्यारे प्रभु को लगा सकते हैं। तो सावन के महीने में माखन मिश्री ऐसा भोग है जो विशेष रूप से सावन के महीने में ही नहीं, ठाकुर जी का अति प्रिय है। तो पूरे 12 महीने कभी भी हम ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे ठाकुर जी को मीठा अति प्रिय है, तो मीठे में आप चाहें तो जो भी भोग आप ठाकुर जी के लिए बनाना चाहें, जो आप प्यार से बना सकते हैं, वो आप अपने ठाकुर जी के लिए बनाइए। आप चाहें तो खीर बना सकते हैं, आप चाहें तो हमारे प्रिय लाल के लिए हलवा बना सकते हैं। जैसा मनोभाव आपको अपने प्रिय प्रियतम दें, आप वो मीठा भोग प्यारे प्रभु को ज़रूर पवाइए। आप चाहें तो ठाकुर जी के लिए जलेबी बना सकते हैं, या आप चाहें तो गुलाब जामुन हमारे प्रिय प्रियतम के लिए बना सकते हैं। तो इस तरह मीठे में हम अपने ठाकुर जी के लिए कुछ विशेष इस तरह से बना करके उन्हें भोग पवा सकते हैं। इस मौसम में पकोड़े खाने का हम लोगों का मन होता है, तो उसी तरह से हम अपने ठाकुर जी के लिए इस मौसम में विशेष रूप से पकोड़े या कुछ नमकीन वाली चीज़ें जो इस मौसम में खाने में पसंद की जाती है, तो वो हम अपने प्रिय लाल के लिए बना सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें ज़्यादा तीखा या मसालेदार चीज़ें ना मिली हुई हो। तो इस तरह से हम अपने प्रिय लाल के लिए विशेष भोग बना करके और सावन के महीने में हम पवा सकते हैं अपने प्रिय लाल को, और तुलसी दल के साथ अपने प्रिय प्रियतम को हम भोग आरोगने के लिए निवेदन करेंगे। ठाकुर जी को भोग पवाने के बाद हम उनकी करेंगे आरती। तो प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की आरती करने के बाद और अब हम उन्हें लेकर के चलेंगे झूलन महोत्सव की ओर। तो झूलन महोत्सव में कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, झूला किस तरह से तैयार करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं, जैसे कुछ अभी बारिश के मौसम में कुछ और भी समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे ठाकुर जी के पूजा घर में सीलन के कारण थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, या नमी के कारण जो भी पोशाक वस्त्रों पर से भी एक अजीब सी स्मेल आने लगती है।
तो उसके लिए हम क्या करें कि ठाकुर जी के पूजा घर के लिए हम जो रूम फ्रेशनर वाले स्प्रे आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें मार्केट से बाय नहीं करना है, केमिकल वाले हमें उपयोग में नहीं करने हैं। हम चाहें तो घर पे ही ठाकुर जी के लिए स्प्रे बना सकते हैं। तो ठाकुर जी के लिए रूम फ्रेशनर बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा साफ शुद्ध जल लेना है, उसमें हम कुछ बूंदे रोज़ वाटर की ऐड कर लेंगे और कुछ बूंदे हम ऐड करेंगे इसमें इत्र की। जो फ्लावर एसेंस आते हैं मार्केट में केमिकल फ्री वाले प्योर जो होते हैं, तो वो लेकर के जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो लेकर के और उसकी कुछ ड्रॉप जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इस तरह से हमारे प्यारे प्रभु का रूम फ्रेशनर केमिकल फ्री वाला तैयार हो जाएगा। तो हम इस तरह से ठाकुर जी के पूजा घर का ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा हम यदि आपके पास समय हो और आपके पास फूल अवेलेबल हो तो आप माला बना करके और उससे भी ठाकुर जी के पूजा घर को तैयार कर सकते हैं। तो माला बनाने से क्या होगा, जो ताजे पुष्प रहेंगे तो उसकी बहुत अच्छी महक ठाकुर जी के पूजा घर में बनी रहेगी और हमें जो सीलन की स्मेल की जो भी प्रॉब्लम होती है वो समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि नमी के कारण जो ठाकुर जी की पोशाक से भी जो स्मेल आने लगती है तो उसके लिए क्या करना है। वैसे तो यदि आप ठाकुर जी को इत्र सेवा देते हैं तो यदि आप ठाकुर जी को नित्य इत्र की सेवा देते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं भी ठाकुर जी को इत्र सेवा देती हूँ तो उससे ठाकुर जी की जो पोशाक है उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू हमेशा ही आती रहती है। ठाकुर जी की पोशाक से बहुत अच्छी सुगंध आती रहती है। लेकिन यदि आप इत्र सेवा नहीं देते हैं तो मैं आपसे विशेष रूप से कहूँगी कि आप इत्र सेवा देना शुरू कीजिए ठाकुर जी को। और जैसे यदि आप नहीं देते हैं तो आप ठाकुर जी की पोशाक में इत्र लगा करके रख सकते हैं हल्का हल्का, तो उससे प्यारे प्रभु की पोशाक से बहुत अच्छी भीनी भीनी सुगंध हमेशा ही आती रहेगी, तो ये स्मेल वाली प्रॉब्लम इसका सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम अपने ठाकुर जी को ले चलेंगे महोत्सव का आनंद दिलाने के लिए। तो अब ठाकुर जी को झूला झूलाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ठाकुर जी का झूला हमें किस तरह से सजाना है, तो मैंने जैसा कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का यूज़ करना है हो सके तो फूलों की माला से हम अपने प्यारे प्रभु का झूला जो है डेकोरेट कर सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छी ताजगी सी और बहुत अच्छी सी फीलिंग हमारे ठाकुर जी को भी जो है ताजे ताजे फूलों की खुशबू आती रहेगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब ठाकुर जी को झूला सबसे पहले हमें जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि हमें अपने प्यारे प्रभु प्रियालाल को झूले में अकेले बैठा करके कहीं नहीं जाना है, हमें अपने काम में नहीं लग जाना है उन्हें अकेला छोड़ करके, क्योंकि हमारे प्यारे प्रभु वैसे ही बहुत कोमल हैं, बहुत कोमल हैं और साथ ही हमारे बिहारी जी बहुत चंचल भी हैं, तो हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें इनके साथ ही झूलन महोत्सव का आनंद लेना है। जितनी देर हम इन्हें झूले की सेवा दें तो कोशिश करें कि उतनी देर हम इनके साथ ही रहें, हम भी इनके साथ उस आनंद को प्राप्त करें। यदि आप चाहें तो ठाकुर जी के लिए जो सावन के कुछ पद होते हैं, सावन के कुछ गीत होते हैं, तो उन्हें झूला देते देते आप वो सुना सकते हैं, तो प्यारे प्रभु बहुत खुश होंगे इससे। और इसके बाद जो एक बात का हमें ध्यान रखना वो ये है कि यदि आपने पहले ठाकुर जी को भोग नहीं पवाया है तो हमें झूले में, जैसे ठाकुर जी झूले में बैठे हैं तो वहीं उनके पास में भोग को ऐसे नहीं रखना है झूले में। हम चाहें तो ठाकुर जी को पहले से बाहर निकाल लें, फिर उनके आसन पर विराजित करके और फिर हम उन्हें भोग पवाएं। झूले में हमें ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना है ये। और जैसे ठाकुर जी को हम झूले से, हमने ठाकुर जी को निकाल लिया है तो उसके बाद जो उनका पालना है तो ठाकुर जी के खाली पालने में हमें झूला नहीं देना है, इस बात का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और फिर इसके अलावा जो ठाकुर जी हैं तो उनके कुछ हरि भक्त सावन के महीने में जो हल्की हल्की बारिश होती है तो उसका भी आनंद अपने गोपाल जी को दिलाते हैं। तो क्या आप भी चाहें तो जो हल्की हल्की बौछार बाहर जब सावन में गिर रही हो तो आप अपने ठाकुर जी को अपनी बालकनी में या छत पर ले जा करके
और उसका आनंद दिला सकते हैं। लेकिन हमें यही ध्यान रखना है कि तेज बारिश जब हो तो हमें उसमें नहीं ले जाना है, ना ही हमें बहुत देर के लिए ठाकुर जी को बाहर बारिश में रखना है, हल्की बौछार में। ज़्यादा देर के लिए हमें ठाकुर जी को नहीं ले जाना है, और हमें उनका जो छोटा सा क्यूट सा अम्ब्रेला छाता उनका होता है उसे साथ में लेकर के जाना है, और हमें अपने प्रभु के साथ ही रहना है, उन्हें अकेला वहाँ पर छोड़ करके नहीं आना है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है सावन के महीने में। तो सावन के महीने में ठाकुर जी को दी जाने वाली कुछ स्पेशल सेवाएं यही थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। आप अपने प्यारे प्रभु को इस सावन के महीने में कौन कौन सी विशेष सेवाएं किस तरह से देते हैं, किस तरह से उनका प्यारा सा श्रृंगार कर सकते हैं, किस तरह आप अपने लाला लाली के साथ झूलन महोत्सव मनाते हैं, तो उसके दर्शन आप मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो FB के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू अपने प्रिया लाल के दर्शन मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उसे मैं यहाँ चैनल पर सभी के साथ में शेयर करूं, ताकि और भी हरि भक्त देख सकें कि उन ठाकुर जी के प्यारे प्यारे भक्त अपने प्रिया लाल का कैसा सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं। तो सावन के महीने में दी जाने वाली यही कुछ विशेष सेवाएँ हैं जो प्रिया लाल को उनके भक्तों के द्वारा दी जाती है। मैं आशा करती हूँ कि मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आप सभी के साथ में मैंने उसे शेयर कर दिया होगा। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट या सेवा से रिलेटेड, इस महीने की स्पेशली सेवा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी इंस्टाग्राम की। और हाँ, यदि आप अभी तक हमारे श्री प्रियालाल परिवार का सदस्य नहीं बने हैं तो प्रियालाल परिवार का सदस्य बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ठाकुर जी की सेवा से रिलेटेड ऐसे ही जो भी वीडियो आगे आएंगे उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही वीडियो को आप अपने डिवोटी फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव में भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे और भी हरि भक्तजन हमारे प्रियालाल परिवार से कनेक्ट कर पाएँ। तो बस सावन महीने में दी जाने वाली सेवा से रिलेटेड यही थी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ठाकुर जी की सेवा से रिलेटेड एक किसी नए और बहुत ही सुंदर से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी हरि भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे, हरे कृष्णा श्री हरिदास। जल्द ही मिलेंगे हम अपने प्रिया लाल की रसमयी चर्चा के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।